गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। एम्परर और कैपिटल सिटी। मेगस्थनीस वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट टू चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेलिकस निकेटर। मेगस्थनीस एक एम्बेसडर थे, एक राजदूत थे, जिन्हें कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। सेलिकस निकेटर जो कि ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के, उन्होंने मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। मेगस्थनीस रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। मेगस्थनीस ने एक अकाउंट लिखा है कि उन्होंने क्या देखा था। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। उनके डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर कुछ पार्ट है। द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। जब एम्परर जो भी पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, उनके सामने आते थे, तब ग्रेट वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था। हेयर इज कैरिड अ गोल्डन पैलेंक्विन। एक बहुत बड़ी गोल्डन जो पालकी होती है उसमें उन्हें ले जाया जाता था, रथ जैसा जो होता है उसमें ले जाया जाता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड हैं एलिफेंट पर राइड करते थे और गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरीज ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स। कुछ गार्ड्स अपने साथ ट्रीज लेकर चलते थे जिसपे लिव बर्ड्स होते थे, जिनमें कि इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स, जिनमें ट्रेन पैरट्स का एक फ्लॉक होता था। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो कि एम्परर के हेड पर सर्कल लगाता रहता था। द किंग, जो पैरट का जो सर्कल, पैरट का जो फ्लॉक होता था वो एम्परर के हेड पर सर्कल लगाता था क्योंकि वह बहुत ट्रेंड होता था। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म वुमेन। किंग नॉर्मली चारों तरफ से आर्म वुमेन से सराउंडेड होते थे। हेयर इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। यहाँ पर उन्हें एक अफ्रेड, उन्हें एक डर होता था कि कोई उन्हें किल ना कर दे, उन्हें कोई मार ना दे, ये उनमें अफ्रेड होता था। हेयर इज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। जब वे फूड को खाते थे उससे पहले स्पेशल सर्वेंट उस फूड को टेस्ट करते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर टू नाइट्स। वे कभी भी सेम बेडरूम में टू नाइट्स के लिए नहीं स्लीप करते थे, सोते नहीं थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र ही रोट, और पाटलिपुत्र जो कि अभी मॉडर्न जिसे हम पटना कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। ये बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी थी। इट इज़ सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल। इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी वॉल बनी थी। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। यहाँ पर 570 टावर्स और 64 गेट्स थे। द हाउसेज ऑफ टू एंड थ्री स्टोरीज, और जो हाउसेज होते थे यहाँ पर वो टू या थ्री स्टोरीज के बनाए जाते थे। आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, और वुड या ब्रिक को यूज़ करके बनाए जाते थे। द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड। जो किंग का पैलेस होता था, जो उनका महल होता था, वो भी वुड का होता था और स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया जाता था। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और वहाँ पर चारों तरफ गार्डन्स भी होते थे जिनमें कि बर्ड्स को रखा जाता था। अशोका अ यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। मौर्य फेमस, जो मौर्य साम्राज्य के जितने भी रूलर थे उनमें सबसे फेमस जो किंग थे अशोका थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को पीपल तक अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाया था। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका के ज़्यादातर जो भी इंस्क्रिप्शन हैं वे प्राकृत जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखे गए हैं, और कुछ ब्राह्मी में, जो ब्राह्मी और प्राकृत, ब्राह्मी और प्राकृत जो लिपि होती है उसमें उनके इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। अशोकाज वॉर इन कलिंग। अशोका की कलिंग वॉर, कलिंग इन द एंसाइंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा का जो पुराना नेम था वो कलिंग था, एंशियंट नेम था। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीत कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए वॉर की थी। हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लड शेड
दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. जब उन्होंने वे बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए थे जब उन्होंने ये जो वॉयलेंस देखा था और जो ब्लड शेड देखा था, बहुत ज़्यादा जो खून खराबा देखा था और जो हिंसा की गई थी, उससे इतने हॉरिफाइड हो गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वे और अब ज़्यादा कभी भी वॉर नहीं करेंगे. ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्केस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. वे हिस्ट्री के केवल एक ही ऐसे किंग हैं जिन्होंने कॉन्कर होने के बाद, कॉन्केस्ट होने के बाद, जीतने के बाद भी जो वॉर को छोड़ दिया था. अशोका इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर. अशोका के इंस्क्रिप्शन से कलिंग वॉर को किस तरह से इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है. दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर इज इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस. इसे अशोक ने अपने ये डिक्लेयर किया अपने एक इंस्क्रिप्शन में. 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग. किंग बनने के 8 years बाद मैंने कलिंग को कॉन्कर किया, कलिंग को जीता. अबाउट अ लैक एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड. 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को कैप्चर किया गया एंड मोर देन 100,000 ऑफ पीपल वर किल्ड. और कई जो 100,000 लोग थे वे कई लोगों को किल्ड किया गया, कई पीपल्स को किल्ड किया गया. दिस फील्ड मी विथ सोरो. इसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ. वाई वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर. जब किसी इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया जाता है, लैक ऑफ पीपल डाई. कई जो लैक पीपल की डेथ होती है एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर. और कई लोगों को बंदी बना लिया जाता है. ब्राह्मण एंड मॉन्क ऑल्सो डाई. ब्राह्मण्स और मॉन्क्स की भी डेथ होती है. पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स. और जो भी लोग अपने, जो भी पीपल अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए काइंड हैं. टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई. कई स्लेव्स और सर्वेंट्स की डेथ हो जाती है और कई लोग अपने जो लव्ड हैं, लव्ड वंस हैं, उनको खो देते हैं. दैट इज़ वाई आई एम सैड. इस कारण मैं बहुत सैड हूँ. एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम. और इसीलिए मैंने धम का ऑब्जर्व किया और ये डिसाइड किया. एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. और इसे और जो भी लोग हैं उनको टीच करने के बारे में सोचा. आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रो धम इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रो फोर्स. आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर. मैं इस मैसेज को फ्यूचर के लिए इंस्क्राइब कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ. सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर. ताकि मेरे जो भी सन हैं और ग्रैंड सन हैं मेरे बाद किसी भी वॉर के बारे में नहीं सोचें. इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक हाउ टू स्प्रेड धम. और इसके बजाय वे लोग इस चीज़ को सोचें कि धम को कैसे स्प्रेड करना है. धम इज़ द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म. धर्म को एक प्राकृत वर्ड से लिया गया है, जो इसका प्राकृत वर्ड है धर्म, धम. और इसका जो एक संस्कृत टर्म से लिया गया है जिसका मीन होता है धर्म. वॉट वॉज द अशोकाज धम. अशोकाज जो थे उनका धम क्या था. अशोकाज धम डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. धम में गॉड की वर्शिप इंक्लूड नहीं थी या इन्वॉल्व नहीं थी या किसी भी तरह के जो रिचुअल्स या परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था. ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन. वे ये महसूस कर रहे थे या ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से एक फादर अपने चिल्ड्रन को टीच करते हैं. ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट. उनकी ये ड्यूटी है कि वे अपने सब्जेक्ट को सभी लोगों तक पहुँचाएँ. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्ध. वे बुद्ध की टीचिंग से भी इंस्पायर हुए थे. देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. और कई प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, बहुत से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके कई कारण हैं. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रीजन. जो भी एम्पायर के पीपल हैं वे डिफरेंट रीजन को फॉलो करते हैं. एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. और इसी कारण कई बार कॉन्फ्लिक्ट का ये रीज़न हो सकता है या किसी भी टकराव का ये कारण हो सकता है. एनिमल्स वर सेक्रीफाइज. जो एनिमल्स हैं उनकी बलि दी जाती है, उन्हें सेक्रीफाइस किया जाता है. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. जो भी स्लेव्स होते हैं और जो सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता. बिसाइड देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंग हिज नेबर्स. और कई बार फैमिलीज में भी कुछ झगड़े होते हैं और कुछ नेबर्स के साथ क्वारल्स होते हैं.
अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. अशोका ने सोचा फील किया कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उनकी ड्यूटी है. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशल्स, इसीलिए उन्होंने ऑफिशल्स को अपॉइंट किया नोन एज धम्म महामत, जिन्हें कि धम्म महात्मत के नाम महामत के नाम से जाना जाता था. हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म. वे प्लेस टू प्लेस जाते थे और धम्म के टीचिंग्स पीपल को देते थे. अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. अशोक ने अपने मैसेज को रॉक और पिलर्स पर इंस्क्राइब करवाया. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट themselves, और अपने ऑफिशियल्स को भेजा कि जो पीपल इन मैसेज को नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को उन्हें टीच करने के लिए भेजा. अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्म टू अदर लैंड्स. अशोका के जो मैसेंजर्स हैं अदर लैंड्स पर भी धम्म के जो आइडियाज हैं उन्हें स्प्रेड करने के लिए गए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में. ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउस. उन्होंने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए. बिसाइड ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवाए. अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट. अशोक का मैसेज अपने सब्जेक्ट के लिए. पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल वैन दे फॉल इल. जब पीपल इल हो जाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं, वे कई रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं. वैन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब उनके चिल्ड्रन की मैरिड जो होती है. वैन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब उनके चिल्ड्रन का बॉर्न होता है, जब उनके चिल्ड्रन का जन्म होता है. वैन दे गो ऑन ए जर्नी, जब वे जर्नी पर जाते हैं तो बहुत से पीपल रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं. दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, ये सभी रिचुअल्स यूजफुल नहीं है. इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, इसके बजाय जो पीपल हैं दूसरी जो प्रैक्टिसेस अगर करें, दे वुड दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी. अगर जो अदर प्रैक्टिसेस हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी. वॉट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, ये अदर प्रैक्टिसेस क्या हैं. दीज आर बींग जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. हमें सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ जेंटल रहना चाहिए. रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, और सभी जो एल्डर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विथ कैम्पेशन, और सभी को जितने भी क्रिएचर हैं उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए. गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ब्राह्मण्स और मॉन्क को गिफ्ट देना चाहिए. इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइजिंग अनदर्स. ये बिल्कुल रॉन्ग है कि एक जो रिलीजन है उसकी प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना और किसी अनदर जो रिलीजन है उसको क्रिटिसाइज या आलोचना करना. इच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रीज़न, अगर किसी अदर हमें सभी जो भी अदर रीज़न है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. इफ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन. अगर हम किसी एक रिलीजन की प्रेस करते हैं और किसी अनदर रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं तो ये एक तरह से बहुत ग्रेटर हार्म होगा किसी और रिलीजन के लिए. देयरफोर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन. इसीलिए हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अनदर रिलीजन को अंडरस्टैंड करने के का हमें ट्राई करना चाहिए कि उनके क्या आइडियाज़ हैं, हमें ये समझना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए. पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, हिज एडिक्ट्स उनके जो इंस्ट्रक्शन हैं स्टिल स्पीक टू अस इन ए लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड. उन्होंने ये कहा कि जो भी अशोक के इंस्ट्रक्शन थे उनकी जो लैंग्वेज थी उसे हम इजीली समझ सकते हैं. वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, और उनसे हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोकास मैसेज दैट यू थिंक आर रिलेवेंट. एल्सवेयर सम वॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, अबाउट 2400 ईयर्स अगो. मौर्यन एम्पायर के 2004 ईयर्स पहले एम्परर इन चाइना बिगन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल. चाइना में एक ग्रेट वॉल बिल्ड की गई थी. इट वॉज मेन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्ट्रोल पीपल. जो भी पेस्ट्रोल पीपल होते हैं उनसे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाई गई थी. एडिशंस टू द वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कैप शिफ्टिंग. द
वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग. इस ये वॉल 6400 किलोमीटर लॉन्ग है और इसे स्टोन और ब्रिक से बनाया गया है. विच इज़ अ रोड अलोंग द टॉप, और इसके टॉप में रोड भी हैं. सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, कई जो थाउजेंड पीपल ने इस वॉल को बनाया था. देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग, सभी जगह पर कुछ टावर्स हैं जहाँ पर से जो कि कुछ डिस्टेंस पर है, 100 से 200 मीटर तक.